हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो फिफ्थ क्वेश्चन से हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी हमें वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जिससे 3, 6, 4, 5 जो वो डिवाइड हो जाए, ताकि ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब डिवाइड करने में क्या है, देखो मल्टीप्लाई करने में हमें क्या होता है, जो पेयर बच जाता है ना उसकी एक बार मल्टीप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। डिवाइड में क्या करेंगे, जो पेयर बच जाएगा उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। और कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, और जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं, 3, 6, 4, 5, ठीक है। इसको कर लेंगे हम फैक्टराइज। अब देखो ये 3 से हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15। अब ये फिर से 3 से हो रहा है, 3 4 12, 3 5 15। ये 1 नहीं चला था तो इसलिए यहाँ पे आ गई 0। अब ये फिर से 3 से हो रहा है, 3 1 3, बचा 1, 10, 3 3 9, बचा 1, 3 5 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 135 ये किससे हो रहा है, 5 और 3 8 और 1 9, तो 3 से हो रहा है, तो 3 4 12, बचा 1, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, एंड 5 1 5, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 6 4 5, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री, कितने थ्री यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ पे एक पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी एक पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी एक पेयर कंप्लीट हो गया, इसका पेयर बचा, यहाँ बचा 5, तो हम क्या लिखेंगे, सो 5 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर बाय होम थ्री सिक्स फोर फाइव मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इसे डिवाइड करने पर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3, 6, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5, और इधर भी डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर 2, फिर से 3 की पावर 2, फिर से 3 की पावर 2 बाय 5 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल करो इसको, 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, 5 7 35, कैरी 1, 5 2 10, बचा 4, 49, 5 9 49, यहाँ पर क्या बचा, 3 की पावर 2, ये से डिवाइड हो गया, क्या हो गया, 1, और 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब 729 क्या है, तो हम लिखेंगे, सो 729 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो हम क्या करेंगे, इसका 729 का रूट निकाल देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 27, इसका क्या है, होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी रूट हो जाएगा, इस 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27, ठीक है। क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद हमने वो नंबर ढूंढा जिससे डिवाइड करना है हमें, फिर हमने डिवाइड कर दिया,
डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर का हमने रूट निकालना था क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था, तो रूट निकाल के हमारा क्या आ गया आंसर 27। तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा 6 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर ढूंढो जिससे कि अगर 1152 को हम डिवाइड करें तो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। और कहता है कि स्क्वायर रूट भी निकालो इसका, तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 1152 इसका क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर निकालेंगे। 2 से करो, 2 फाइव ज़ा 10 बचा 1, 2 सेवन ज़ा 14 बचा 1, 2 सिक्स ज़ा 12। 2 से करो, 2 टू ज़ा 4 बचा 1, 2 एट ज़ा 16 बचा 1, 2 एट ज़ा 16। 2 से 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 2 फोर ज़ा 8। फिर से 2 से 2 सेवन ज़ा 14, 2 टू ज़ा 4। फिर से 2 से 2 थ्री ज़ा 6 और 1, 2 सिक्स ज़ा 12। 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16, 2 नाइन ज़ा 8, 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे 3 से करा तो 1। अब 1152 के क्या क्या प्राइम फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टाइम करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाओ। यहाँ देखो ये पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये बच गया, ये हो गया। तो इस 2 को लिख लेंगे हम साइड में, ठीक है, क्योंकि बाकी पेयर कंप्लीट है तो वो हमने पहले लिख लिए। तो हम क्या लिखेंगे, सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वो छोटा नंबर है सबसे कौन सा, बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1152 डिवाइड बाय 2 और इधर 2 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 576 और यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर 2 3 टाइम्स 3 की पावर 2, इससे डिवाइड हो गया तो यहाँ क्या आ गया 1। 1 हमें पता ही है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। अब देखो नंबर हमारे पास क्या आ चुका है, 576। तो हम लिखेंगे द परफेक्ट स्क्वायर इज़ 5 7 6 हमें इसका क्या करना है, रूट करना है 576 का। रूट क्या हो जाएगा, दैट 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 इंटू 3 की पावर 2, इसका भी क्या कर देंगे हम रूट, 8 थ्री ज़ा 24 का स्क्वायर का रूट, इस 2 से रूट कैंसिल, आंसर क्या आ गया 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फाइव सेवन सिक्स इज 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान था। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उनको लिखा, जो बच्चा साइड में लिख दिया उसको जिसका पेयर नहीं बना, फिर हमने लिखा कि उसी से हमें डिवाइड करना होगा ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, फिर हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो ये इस तरह से हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया और क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट ना ये है 1296। ठीक है, कहता है अगर एक नंबर जो है ना 16 टाइम है, 16 टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर एक नंबर एक है ना तो दूसरा उसका 16 गुणा है, यानी 16 है। तो कहता है वो दोनों नंबर निकाल लो। तो हम मान लेते हैं
जब हमें नंबर नहीं दिए तो हम मान ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर इज ए, ठीक है। अगर ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, ए है, सो सेकंड नंबर विल बी, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा अगर ये ए है तो वो इसका 16 टाइम है, यानी वो क्या हो जाएगा 16 ए, ठीक है। अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 1, 2, 9, 6, ठीक है। अब दो नंबर क्या हमारे पास, ए इंटू 16 ए, 1, 2, 9, 6, ए इंटू ए स्क्वायर, 16 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि हमें तो ए ही फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड बाय 16। अब 2 से कैंसिल करो, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। अब ये करो, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, आंसर क्या है 81। अब ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 81, 81 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 9, 9 9 जब 81 होता है, तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया 9 का स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा, खाली ए, ठीक है। ए इस देखो ए स्क्वायर से ए कैसे बनाया हमने, ए स्क्वायर था, अगर इसकी हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी तो इकट के ए आ जाएगा, यानी इधर 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 1/2 से करेंगे, तो 9 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। 1/2 क्या होता है हमारे पास रूट, अब स्क्वायर से रूट हट गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9, ठीक है। अगर ए 9 आया है तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर इज 9, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 9 × 16, दैट इज 9 6 54 का कैरी 4, कैरी 5, 9 1 9 और 5 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर और ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। यही क्वेश्चन था, बस बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं था। हमें दो नंबर दिए थे, कहता है एक जितना नंबर है 16 से 16 गुना दूसरा नंबर है, तो हमने मान लिया पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर 16 ए है। आगे बोला था दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये है, तो हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब ए इंटू ए हमें पता है ए स्क्वायर हो गया, और ये मल्टीप्लाई में ये तो उधर जाएगा ही क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है। कैंसिल करके हमारे पास 81 आ गया। 81 को हम ऐसे स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं। तो इसकी पावर हमने ए कर दी, तो इसका भी क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट से हट के स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 9 आ गया, सेकंड नंबर 9 × 16 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है एक वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है, कल्याणकारी कोई संस्था है, उसने ना इतने रुपये कलेक्ट करे एज अ डोनेशन, ये चंदे के रूप में, फ्रॉम द रेजिडेंट्स, ठीक है, अलग अलग जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनसे इतना सारा चंदा इकट्ठा करा। कहता है अगर हर एक ने इतने रुपए दिए हैं, दैट वर द रेजिडेंट, मतलब जितने रेजिडेंट हैं हर एक ने उतने रुपए दिए हैं, तो बताओ रेजिडेंट कितने हैं। अब हमें जब ये नहीं पता होता कि कितने हैं, तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, जब हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि रेजिडेंट्स का नंबर क्या है ए, ठीक है। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन, ए जो है वो हमारे पास क्या है रेजिडेंट है। अब हर कहता है कि जितने रेजिडेंट है हर एक उतने ही पैसे देता है, तो हम लिखेंगे ईच पेड रुपीज़ ए, ये क्या दिया है गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक ने ए ही रुपए दिए हैं, ठीक है। तो टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगी, टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगी, टोटल कलेक्शन हमारे पास क्या आई है रुपीज़ 2025 00, यही था। अब देखो टोटल कलेक्शन यहाँ पे क्या लिखे हम, यहाँ पे तो हमें पता है।
अब अगर मान लो रेजिडेंट होते 10, हर एक रुपया देता 10, तो कितने हो जाते, 10 × 10 हो जाते हैं। अब यहाँ ए और ए है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान लो ऐसे क्वेश्चन होता है कि रेजिडेंट है भाई 5, हर एक ने रुपये दिए हैं 10, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 5 × 10 कर देंगे यानी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 की जगह ए दिया है, 10 की जगह भी ए दिया है, तो हम टोटल कलेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, a × a, ठीक है, 202500, ये हो गया। a × a क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर, यानी यहाँ ए की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ भी हमें क्या है, ए की पावर 2 बनानी पड़ेगी, तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो हम सिर्फ इसके कर लेंगे 2025, क्योंकि 00 इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100, ठीक है। अब 2025 को देखो, इसके करते हैं हम अपने टुकड़े, तो हमें पता है 25 का 5 होता है और इसका 5 × 4 इस तरीके से आया है, लेकिन ये वाला आपको समझ नहीं आएगा, तो हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे इसके। ये तो हम लिख सकते हैं 10 × 10, इसका तो झंझट ख़त्म। अब ये देखो 2025 क्या लिखेंगे इसको, 2 × 1 = 0, सॉरी 2 से नहीं चलेगा ये, 9 × 3 से चलता है ये, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, बचा 2 = 22, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, अब फिर से 3 से चलेगा ये, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, फिर से 3 से, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, यहाँ पे 5 × 5, तो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर और ये हो गया एक पेयर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3² × 3² × 5² इंटू, ये 10 भी तो था साथ में, तो ये हो गया हमारा 10², ठीक है। इसको हम ये रफ में करके देखना, कहीं कॉपी के साइड में ही कर दो आप। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, करो मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 × 10, 4 × 5 = 0² यहाँ पे हो गया ए। अब ए कैसे आएगा, हमें पता है वो हाफ पावर डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 × 5 = 0, स्क्वायर और उसका रूट। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 450। तो इसने पूछा क्या था हमसे, नंबर ऑफ रेजिडेंट बताना था, तो हम क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इज 450, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कहता है एक संस्था ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हर एक रेजिडेंट से, अब जितने रेजिडेंट है उसने हर एक ने उतने ही पैसे दिए हैं, तो हमने मान लिया कि रेजिडेंट ए हैं तो हर एक ने पैसे भी ए दिए हैं। अब कलेक्शन कितना हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इधर कलेक्शन दिया ही था। अब हमने इनका क्या करा है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर लिया कि हमें क्वेश्चन ईजी हो जाए करने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 पावर थी, हमने यहाँ भी सबकी 2 पावर बना दी। अब ए स्क्वायर हमने पता है इतनी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू निकालने के लिए इधर स्क्वायर रूट कर दिया और आंसर आ गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक सोसाइटी है, उसने हमसे क्या कलेक्ट किया, हमसे नहीं मतलब अपने जो लोग हैं उनसे, इतने पैसे, इतने रुपए कलेक्ट किए। कहता है हर एक मेंबर जो है उसने इतने पैसे कलेक्ट किए जितने की मेंबर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कि हर एक मेंबर ने जितने जितने मेंबर है उतने ही रुपये दिए हैं, तो कहता है कितने मेंबर हैं वहाँ पे और हर एक ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो बिल्कुल सेम है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन्होंने पैसे दिया है, ये क्या दिया हमें, रुपये, तो हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, 1 रुपीज़ 100 पैसे, ठीक है, 92.16 रुपीज़, 92.16 / 100 × 100, 0 से 0 हटी, यानी कि कितने पैसे हो गए, 9216 पैसे, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिख लिया। अब हम लिखेंगे लेट द मेंबर्स वर, मान लेते हैं मेंबर्स कितने हैं, ए, ठीक है, सो ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 पैसे, ठीक है। ये तो दिया ही हुआ है कि भाई जितने मेंबर्स हैं हर एक मेंबर्स ने उतने ही पैसे दिए, तो मेंबर्स हैं ए तो हर एक ने पैसे भी ए दिए हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, टोटल कलेक्शन
सारी ही कलेक्शन कितनी हुई है? रुपीज़ में हुई थी, लेकिन हमने क्या किया था, पैसे में कन्वर्ट कर लिया था, तो हम लिखेंगे 9216 पैसे। कलेक्शन क्या होगी, ए इंटू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9216, यहाँ ए स्क्वायर आ गया, यानी कि यहाँ पर भी इस तरह से स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। तो हम 9216 का क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करा, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 से करा, 2 2 4, 2 3 6, 0, 2 4 8, फिर से 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2 2 4, 2 से, 2 5 10, 2 7 ज़ा, यहाँ पे क्या आ गई है, 2 5 10 बचा 1, 2 7 ज़ा 14 बचा 1, 2 6 12, फिर से 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 3 नहीं आएगा यहाँ पे, देखो 2 2 ज़ा 4 बचा 1 17, 2 8 ज़ा 16 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। आगे 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, और 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 × 6 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पेयर बने, 2 × 2, फिर ये सेकंड वाला, फिर ये थर्ड वाला, यहाँ पे ये फोर्थ वाला, और यहाँ पे ये फिफ्थ वाला, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद वाले। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 इंटू 6 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसका रूट, 16 × 6 का स्क्वायर का रूट, इस रूट से स्क्वायर हट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 1 ज़ा 6 और 3, 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू। तो मेंबर्स कितने हैं, तो हम लिखेंगे, सो मेंबर्स आर 96 एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये वाली जो लाइन है ये इसके नीचे लिखनी होती है, यहाँ जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड 96 पैसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, सबसे पहले रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने देखा कि मेंबर्स इतने हैं, हर एक ने कंट्रीब्यूशन इतना किया है, कलेक्शन टोटल जितना हुआ उन यहाँ इनकी मल्टीप्लाई और ये कलेक्शन लिख दिया, सॉल्व करके देखा हमने आंसर 96 आ गया, तो 96 मेंबर और 96 पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है कि एक सोसाइटी है, उसने इतने रुपये कलेक्ट किए फ्रॉम इट्स स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट से, हर एक स्टूडेंट ने इतने ही पैसे दिए जितने कि स्टूडेंट थे स्कूल में, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कहता है कि कितने स्टूडेंट थे स्कूल में। तो हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो निकालना है वही मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ए, ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड 96 ए, ठीक है। टोटल कलेक्शन टू थ्री ज़ीरो फोर, ए इंटू ए 2304, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से 10117, ठीक है, सॉरी 17 नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, हाँ यही आएगा, हमने ये लिख ही गलत लिया यहाँ पे, इसको नहीं, ये आएगा 2 3 0 4, ठीक है। 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, अब 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, या 15, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ये 12 का होता है भाई,
ठीक है, तो ये आप थोड़ा बहुत याद कर लेना, क्योंकि हमें ये निकाल के नहीं दिखाना, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। इसको क्या लिखेंगे हम? एक पैर यहाँ पे हो गया, एक पैर यहाँ पे हो गया, और एक ये 12 का हो गया। ठीक है, इसको हम साइड से हटा देंगे। ये रफ में करना है पीछे। यहाँ क्या हो गया? ए स्क्वायर। क्या हो गया? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 12 4 ज़ा 48 स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48 का जो स्क्वायर है उसका रूट। ठीक है, इस स्क्वायर से रूट हटा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 48। तो कितने स्टूडेंट हैं? 48 स्टूडेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? देयर वर 48 स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब ऐसे क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। जितने स्टूडेंट थे उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट किया, टोटल कलेक्शन निकाला हमने इस तरीके से, और आंसर निकाल दिया, बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन 11th क्या कहता है, कहते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया है ये। हम एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है? 5184। कहता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से। अब एक हम रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड। कहता है इसकी लेंथ ना ब्रेथ के ट्वाइस है, यानी कि अगर ब्रेथ ए है तो लेंथ कितनी होगी? 2a, ठीक है। इसका जो पैरीमीटर है ना वो इक्वल है किसके? इस स्क्वायर वाले के पैरीमीटर के, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, बहुत ही सिंपल। हमें इसका एरिया निकालने के लिए अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ की पता चल जाए तो हम निकाल देंगे। अब लेंथ ब्रेथ हमें किसके वे में देना पड़ेगा कि इसका पैरीमीटर और इसका पैरीमीटर सेम है, तो पहले हम पैरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब पहले इसका पैरीमीटर क्या आएगा? पैरीमीटर इसका 4a होता है, हमें पता है, यानी कि हमें इसकी साइड निकालनी है। तो साइड हम कहाँ से निकालेंगे? इसके एरिए से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के करा करो कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है। भाई हमें पूछा ये गया है कि इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें लेंथ ब्रेथ चाहिए, कि लेंथ ब्रेथ पैरामीटर से निकालेंगे, पैरामीटर यहाँ से आएगा, यहाँ की लेंथ चाहिए हमें ए इसकी, तो यहाँ से इसलिए हम साइड निकालेंगे। तो स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या दिया है? 5184, ठीक है। अब 5184 जो है वो हमारे पास किसका स्क्वायर हो जाएगा, चेक कर लेंगे हम। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 9 × 9, यानी ये किसका हो गया? 2 का स्क्वायर, ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, × 2 का स्क्वायर, × 2 का स्क्वायर, × 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसको देंगे यहाँ से हटा। अब स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड हमने यहाँ पे ए नहीं मान लेंगे इसकी, हम साइड हम इसकी मान लेते हैं टी, ठीक है, क्योंकि ए और ए तो यहाँ हो गया है। तो ये क्या हो गया? टी इंटू टी। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 9 ज़ा इसका स्क्वायर, टी स्क्वायर, 8 9 ज़ा 72 का स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या आ गई? 72 का स्क्वायर का रूट, इससे ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया? 72। तो हमें क्या पता चल गया? साइड ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड हमारे पास 72 है तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा? पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 × साइड, यही होता है। 4 × साइड कितनी है? 72, ठीक है। तो 4 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका
288 मीटर पेरीमीटर। अब हमें पता है क्या, इसके बाद हमें आगे लिखना है यहाँ गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर, ये पूरा पेरीमीटर लिख लेना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 288। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे हम, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। टू लेंथ क्या होती है हमारे पास, 2a है, और ब्रेथ क्या है, a। अब टू ए प्लस ए 3a, यानी 2 3 6a। तो हमारा ये 6a जो है, 6a यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 288 डिवाइड बाय 6। ठीक है, करो 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 3 1 3, 3 4 12, बचा 2, 3 8 24। तो a की वैल्यू, ये 6 यहाँ से हट के यहाँ आ गया था ना, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 48। ठीक है, यानी कि ब्रेथ हमारे पास क्या हो गई, 48। तो लेंथ क्या हो जाएगी, 48 इंटू टू दैट इज़ 2 8 16, 2 4 8 और 1 9, 96। ये हमारे पास ब्रेथ और लेंथ आ गई। ठीक है, अब ब्रेथ और लेंथ आ गई तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 48 और 96 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन, हमने क्या किया है पूरे क्वेश्चन में पहले ही बता देते हैं, ये एरिया दिया है यहाँ पे, इसकी लेंथ और ब्रेथ दी है ट्वाइस में, कहता है इसका एरिया बताओ। इसके एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। लेंथ और ब्रेथ कहाँ से आएगी, पेरीमीटर से आएगी। पेरीमीटर कहाँ से आएगा, जब इसका पेरीमीटर आएगा। इसका पेरीमीटर कहाँ से आएगा, जब इसकी साइड आएगी। साइड कहाँ से आएगी, इस एरिया से। हमने यहाँ से करा स्क्वायर फील्ड का एरिया साइड बाय साइड, यहाँ से हमने साइड निकाल दी, साइड का साइड आने के बाद पेरीमीटर निकाल दिया। इस तरीके से जब पेरीमीटर आ गया तो हमें पता है कि पेरीमीटर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का बराबर है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे पेरीमीटर, यहाँ से वैल्यू निकाल दी ए की। ए हमारे पास क्या है, ब्रेथ, और लेंथ हमने निकाल दी मल्टीप्लाई करके। लेंथ और ब्रेथ आने के बाद एरिया निकाल दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा, 48 इंटू 96। इसको आगे पीछे कैसे भी लिख दो, ठीक है, 48 इंटू 96 मल्टीप्लाई करके मुझे बताना कितना आंसर आएगा, वही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखो हमारा 12th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, हमें वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो कि डिविजिबल हो जाए इन सभी नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसा, जब भी ये बोला जाए ना कि ऐसा छोटा नंबर ढूंढो जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से क्या होगा कि हमें वो पता चलेगा कि सबसे पहले हम स्क्वायर नंबर, तो हमें तब पता चलेगा ना जब हमें ये पता चले कि वो नंबर कौन सा जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, वो नंबर का स्क्वायर बना देंगे तो वो स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट डाला, हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 and 20, क्या हो जाएगा, 6, 9, 15, 20। 2 से करा, 2 3 6, 9, 15, 2 1 2, 2 0 0। 3 से 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 10 as it is। 5 से 1 3 1 2। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 3 × 2, 2 3 6 5 30, 2 3 2 6, 3 6 18 और 0, 180 हो गया। तो 180 के अब हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, हम देख लेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 2 से करा 290 0, 2 से करा 45, 3 से करा 15, 3 से करा 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 180, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये हो गया पेयर 2 का स्क्वायर, ये हो गया पेयर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5। अब हमें 5 बचा है, तो हम कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, अगर हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 की भी 5 से और इधर भी, तो ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2।
तो ये क्या हो गया 18 पंजे 90 और 0, यानी कि 900 ऐसा लीस्ट नंबर, सबसे ऐसा छोटा नंबर है जो इन एक परफेक्ट स्क्वायर जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या लाइन लिख देंगे, सो 900 इज़ द लीस्ट नंबर, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट विल बी डिवाइडेड बाय सिक्स नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी। ठीक है, सिंपल, यही करना हमें, एलसीएम लेना है, उसके प्राइम फैक्टर करने हैं, जो नहीं बचा उसे मल्टीप्लाई कर देने हैं दोनों तरफ, और जो आंसर आएगा वही हमारा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, 8 12 15 20, 2 से 2 4 8 2 6 12 15 as it is, यहाँ 10, 2 से करो 2 2 4 2 3 6 15, 2 5 10, 2 से करा 1 3 15 5, 3 से करा 1 1 5 5, 5 से करा 1 1 1 1, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 4 3 sorry 2 2 4 2 8, 5 3 15, दैट इज, ऐसे नहीं करेंगे इसको, 2 2 4 2 8 8 5 14 × 3 120। ठीक है, अब 120 के प्राइम फैक्टर करो, 2 6 12, 2 3 2 15 3 5, यानी कि वही आ गए। तो अब हम क्या लिखेंगे 120 को, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब हमारे पास यहाँ पे पेयर कंप्लीट हो गया 2 square, ये सारे ही बच गए बिना पेयर के, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2 5 10 3 30, तो 30 से इधर मल्टीप्लाई और 30 से इधर। ठीक है, ये क्या हो गया 3 6 0 0, यहाँ पे भी क्या हो गया 2 square × 30 square, तो हम लिखेंगे सो 3 6 0 0 will be the least perfect square that will be divided by, किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 8 12 15 20। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। कुछ नहीं है, सिंपल एलसीएम लेना है और हमें ढूंढना है कि पेयर कौन सा कंप्लीट नहीं हो रहा, और उससे मल्टीप्लाई कर देनी दोनों तरफ और आंसर आ जाएगा। अब देखो 13th क्वेश्चन क्या कहता है कि द फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज़ करके हमें ये करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, कोई भी हमें स्क्वायर दिया होता है ना, उसको हम माइनस करते जाते हैं ऑड नंबर से, जो जो आंसर आता जाता है। ठीक है, उसी से हम क्या निकाल देते हैं उसका, और जहाँ पे उसका आंसर ज़ीरो आ जाए वहीं क्या हो जाता है उसका परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो 121 है, इससे हमने माइनस करा 1, क्या आंसर आया 120। 120 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 3, माइनस करा 117। 117 से नेक्स्ट ऑड 5, 112। 112 से नेक्स्ट ऑड 7, क्या हो जाएगा 105। 105 से नेक्स्ट ऑड 9, तो मतलब 96। 96 से नेक्स्ट ऑड 11, 85। 85 से नेक्स्ट ऑड 13, 13 क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 72 से नेक्स्ट ऑड 15, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा 6 में से 1 गया 5।
57 माइनस 17, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 40 माइनस 19 दैट इज़ 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा है 3, 3 में से 1 गया 2, 21, 21 में से 21 गया 0, यहाँ 0 आ गई। अब तो अब कितना हो गया देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11th टाइम पे हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में जिस नंबर पे हमारे पास 0 आ जाए, यानी जिस टाइम 0 आ जाए, वही क्या होता है हमारे पास उसका परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्लियरली, वी हैव द ऑपरेशन 11 टाइम्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 11, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हमें 169 का भी निकालना है, तो 169 का भी हम निकाल देंगे। सेम सिमिलर प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, ठीक है। 169 रिपीटेड मेथड है ये, तो 169 माइनस 1, 168, 168 माइनस 3, 165, 165 माइनस 5, 160, 160 माइनस 7, 153, 153 माइनस 9, 144, 144 माइनस 8, सॉरी माइनस 11, 133, 133 माइनस 13, 120, 120 माइनस 15, 105, 105 माइनस 17, कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, 88 माइनस 19, 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, इसमें से 21 माइनस करा कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48, 48 में से 23 माइनस 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, अब 25 में से 25 माइनस करा 0 आ गया। तो कितने टाइम्स हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने लिखा, हम लिखेंगे वी हैव परफॉर्म्ड थर्टीन टाइम्स, वी हैव परफॉर्म्ड ऑपरेशन 13 टाइम्स। तो 169 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इस तरीके से हमें माइनस करके इसको लिखना है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन कहता है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एंड फाइंड देयर स्क्वायर रूट। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है और स्क्वायर रूट लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, 7744, 2 से करा, 2 3 6, यहाँ पे 17 आया, 2 8 16, कैरी 1, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, सॉरी 2 1 2, कैरी 1, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, कैरी 1, 2 6 12, कैरी 1, 2 8 16, 2 4 8, कैरी 1, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब ये तो मैं पता ही, ये 11 का होता है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 7 7 4 4, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 11 into 11, 2, ठीक है। पेयर कंप्लीट, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 square, 2 square, 2 square, 11 square, ठीक है। क्या नंबर आ गया हमारे पास, 2 2 4, 2 8, 11, 88 का स्क्वायर, 7744। अब बोला है इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो 7744 यहाँ भी स्क्वायर रूट, 88 का स्क्वायर का रूट, इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 88।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट देखेंगे, 9604। अब 9604 का करो, 2 4 8, 2 8 16, 0 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 0 2 1 2। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास 7 से हो जाएगा, तो 7 3 21 बचा यहाँ पे 30, 7 4 28 बचा 21, 7 3 21। ठीक है, अब 7 से करो, 7 7 4 28, 7 5 35। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 4 से, 6 63, 7 9 63, ये तो 7 से हो ही गया। तो 9604 को क्या लिखेंगे हम, 2 into 2, 7 into 7, 7 into 7, 2 square, 7 square, 7 square, ये 7 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 7 7 49, 49 2 9604। ठीक है, 2 9 18, कैरी 1, 2 4 8 और 1 9। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 9604 का, क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम 98 का स्क्वायर का रूट, इसे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 98। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं हम अपना, 5 9 2 9। ठीक है, करो इसको 5 9 2 9। अब ये 2 से तो होगा नहीं, क्या 3 से हो जाएगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से हो जाएगा ये। ठीक है, तो 7 से करते हैं, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो ये हो गया 8 पे, बचा यहाँ पे 3 32, तो 7 4 28, बचा यहाँ पे कितना, 2 यहाँ पे 49, तो 7 7 49, अभी भी हो रहा है 7 से। तो देखो, 7 1 7, बचा 1 14, 7 2 14, 7 1 7। अब ये तो पता ही, 11 से हो रहा है, तो 5 9 2 9 को क्या लिखेंगे हम, 5 9 2 9, क्या हो जाएगा, 7 into 7, 11 into 11, एक पेर यहाँ पे हो गया, एक पेर यहाँ पे हो गया, 5 9 2 9। ठीक है, 7 into 11, 77 का स्क्वायर, 5 9 2 9। अब इसका क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 77 का स्क्वायर का रूट, इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 77। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, 7 0 5 6। ठीक है, 7 0 5 6 का करो, 2 से, 2 3 6, कैरी 1, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, फिर से 2 से, 2 1 2, 2 7 14, कैरी 1, 2 6 12, 2 4 8, 2 से, 2 8 16, कैरी 1, 2 8 16, 2 2 4, 2 से, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 3 से, 3 3 1 3, कैरी 1, 3 4 12, कैरी 2, 3 7 21, 3 से करो, 3 4 12, बचाए पे 2, 3 9 27, 7 से आगे। ठीक है, तो 7 0 5 6 किसके इक्वल हो गया, 2 into 2, 2 into 2, 3 into 3, 7 into 7, 2 का स्क्वायर यहाँ पे, फिर से 2 का स्क्वायर यहाँ पे, 3 का स्क्वायर यहाँ पे, 7 का स्क्वायर, 7 0 5 6। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, इंटू 7 का स्क्वायर, दैट इज 84 का स्क्वायर, 7 0 5 6। अब यहाँ पे इसका रूट क्या हो जाएगा 7 0 5 6 का, सिंपल, 84 का स्क्वायर का रूट कैंसिल, आंसर आ जाएगा 84। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इस तरीके से हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन देखो,
कहता है कि स्टूडेंट जो ना 8वीं क्लास में एक स्कूल के बच्चे, उन्होंने 202401 रुपये दिए हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड के लिए। हर एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दिए जितने की क्लास में स्टूडेंट है। तो बताओ स्टूडेंट के कितने क्लास में। तो पहले जैसा क्वेश्चन है, ऐसे में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी किया था, क्या ए, ठीक है। सो ईच डोनेटेड, तो हर एक ने कितना डोनेट किया, रुपीज़ ए। तो टोटल कलेक्शन कितनी हो जाएगी, रुपीज़ 2401 जो कि हमें दिया हुआ है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, दैट इज़ 2401, ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो 2401। अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको साइड में कर लेंगे, प्राइम फैक्टर 4, 2, 6 और 1, 7, तो ये हमारे पास 3 से तो नहीं होगा, ये हो जाएगा हमसे 7 से। तो 7 से करो, 7, 3 ज़ा 21, बचा यहाँ पे 3, 30, 7, 4 ज़ा 28, बचा 2, 21, 7, 3 ज़ा 21, 7 से 7, 4 ज़ा 28, बचा यहाँ पे 6 बचा यहाँ पे 63, 7, 9 ज़ा 63, 7, 7 ज़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 7 × 7, 7 × 7, ये इरेज कर देंगे हम। ए स्क्वायर क्या हो गया, ये यहाँ पे 7² × 7² 7, 7 ज़ा 49 का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 के स्क्वायर का रूट, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 49। तो कितना बोलता, कितने स्टूडेंट हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 49, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कोई बहुत ही मुश्किल नहीं था, पहले जैसा है। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन कहता है, एक पीटी टीचर है, वो चाहता है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो है 6000 स्टूडेंट के एक फील्ड में इस तरीके से अरेंज करना कि जो रो हैं वो इक्वल होंगी कॉलम्स के, ये रो जो हैं वो किसके इक्वल होंगी, ऐसे कॉलम्स के इक्वल होंगी। कहता है बताओ कितने रोज़ जो हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, रो का नंबर निकालना है अगर 71 वर लेफ्ट आउट ऑफ अरेंज्ड। कहता है कि 71 बच्चे हैं ना वो बच जाते हैं अरेंज से, यानी कि हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जिसमें हमें 71 जोड़े तो वो क्या बन जाए, 6000 बन जाए। तो हम मान लेते हैं हमारे पास रो कितनी है, सॉल्यूशन के तौर पे लेट नंबर ऑफ रोज ए, और कॉलम भी उतने ही हैं, सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, वो भी ए हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे अरेंज्ड, टोटल कितने अरेंज्ड किए गए हैं, 6000। अभी 6000 कैसे बन रहे हैं, ए इंटू ए सारे, और उसके अलावा भी कितने बच्चे बच जाते हैं, 71 बच्चे, तो उनको जोड़ देंगे ऐसे 6000। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर ये प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, 6000 में से 71 माइनस कर देंगे हम, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 10 में से बन गया 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 5, 5929, ठीक है। 5929 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 से करो, 7, 8 ज़ा 56, बचा यहाँ पे कितना 3, 32, 7, 4 ज़ा 28, बचा 4, 7, 7 ज़ा 49। अब यहाँ पे फिर से 7 से करो, 7, 1 ज़ा 7, कैरी 1, 7, 2 ज़ा 14, 7, 1 ज़ा 7, 11 × 11, तो ये ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7² × 11² दैट इज़ 77 का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या हो गई, 77 का स्क्वायर का, ऐसे नहीं लिखना है इसको, ऐसे लिखो 77 का स्क्वायर का रूट, इसे कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई, 77, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, 77, तो लिख देंगे हम लास्ट में टोटल नंबर ऑफ रोज 77। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दूसरे जो चैनल है मेरा इंग्लिश का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करें, ठीक है।
और अगर आप चाहते हैं लाइव वीडियोस तो मेंबरशिप को प्लीज़ ज्वाइन करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।